यही है ना, मतलब बिना आवाज किए हुए। पहले वाला क्या था? आवाज करता था, ठीक है ना। आगे लिखिएगा इसमें, आगे फर्स्ट में बताएंगे आपको इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट है ना। आपको बताया होंगे दो तरह के प्रिंटर आते हैं, क्या क्या है? मोनो और कलर। मोनो और कलर, मोनो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता है। लेकिन अभी क्या है, टू इन वन आता है, टू इन वन नहीं ऑल इन वन के लिए। ऑल इन वन मतलब, ऑल इन वन मतलब क्या, उसमें आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा, कलर भी होगा और स्कैनर भी होगा। जी स्कैनर भी आता है, हाँ जो डिस्प्ले देखते हैं शीशा का में ग्लास लगा रहता है वो स्कैनर होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, सब अलग अलग आता था, लेकिन जैसे डेवलपमेंट हुआ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अभी क्या है डिजिटल है इतना दिया गया। सेकेंड आपको लिखवाया है लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसमें लिखिएगा इट इज ए वेरी फास्ट प्रिंटर, इट इज ए वेरी फास्ट पेज प्रिंटर, इट इज ए वेरी फास्ट पेज प्रिंटर, हाँ पेज प्रिंटर। आपको इससे पहले बताएंगे कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और क्या था लाइन प्रिंटर, उसी में क्या ये इट इज वेरी फास्ट प्रिंटर। ये पेज प्रिंटर का ही टाइप है लेकिन क्या है मॉडर्न है डिजिटल। पहले क्या था वो आवाज करता था फिल्म होने में, ठीक है। लेकिन ये क्या है साउंडलेस। इसका और लिखिएगा आगे पुलिस कर दीजिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू
रिस्पॉन्सिव वाला तो it is responsible to train the environment by using laser beam technique. इस तरह से आप एक प्रिंटर देखे होंगे, सर्कल बनाया है, इधर यहाँ पे पेज रखा रहता है, डालते हैं यहाँ से पेज क्या होता है बाहर निकलता है, और ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसी में रहता है लेजर, आप इसमें एक ढक्कन रहता है, पैनल रहता है, इसको जब उठाइएगा तो इसमें देखिएगा जब प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट कमांड मारिएगा ना, इसमें देखिए ऐसे एक लाइट रहता है लेजर टाइप का, अब इधर से ब्लैक से लेफ्ट जाएगा, ठीक है, जब प्रिंटर के पास जाएगा तो होगा अगर वगैरह देखिएगा, इसको डॉक्टर उठाइएगा क्या होगा, इसमें देखिए एक लेजर यहाँ से यहाँ पे लगेगा, कुछ स्कैन करना देखिए ग्रीन कलर का स्कैनर रहेगा लेजर, ठीक है, वो पेज को क्या है, इस पेज इस पैनल में जो भी चीज रहेगा उसको स्कैन करेगा, चक्का ना चलता है, चक्का नहीं रहता है, जैसे फोटोकॉपी करते थे क्या करेगा, हाथ निकाल कर स्कैन कर प्रिंट कर देगा, समझे, यही इसी के अंदर रहता है क्या, ये लेजर बीम लिखा है, लेजर बीम टेक्निक पे ये वर्क करता है, समझे, इसमें लिखेगा इसमें भी दो तरह प्रिंटर आते हैं, प्रिंटर हाँ बना लीजिए, बनाना साइड बना लीजिए सिंबल के तौर पे, ताकि ये जो सिंबल देख रहे हैं जैसे प्रिंटर में बनाया है, तो आप जैसे कुछ जब ऑनलाइन को नीचे वर्क कीजिएगा तो प्रिंट का ऑप्शन ऐसा ही बस आइकन मिलेगा, इसी लागे की लाइन चेंज करके दिन भी ना जाएगा, हाँ इसी में थोड़ी देर पर लिख के जो भी डिवाइस होता है उसका आइकन आपको याद रखना जरूरी है, Thank you.
मीन करके रे क्या सब लिखे हैं इसके भी दो प्रकार है कौन कौन सा मोनो एंड कलर लिख लीजिए वैसे ऊपर लिखे हैं प्रिंटर जो आएगा कलर आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट वही ना इट हैज टू टाइप्स डैश देकर लिख लीजिए वन में वन में लिखिए मोनो मोनो ब्रैकेट लिख दिया ब्लैक एंड व्हाइट याद रहेगा समझ में आएगा ब्लैक एंड व्हाइट कैसे लिखेंगे ये क्या लिखते हैं ऐसे लगाइए डब्ल्यू आगे WHITE पढ़ाते इंग्लिश ही सिखाते कोई दिक्कत नहीं सेकेंड लिखिए कलर लिखिए सर ऊपर ये बता रहे ना मोनो लिखे पाई सिंपल में तीसरा लिखिएगा इसमें थर्मल प्रिंटर थर्मल एक मेडिसिन को एक लड़ और लिख दीजिए अस इसके साथ तो फास्ट में लिखा दिया ना इट इज वेरी फास्ट प्रिंटर तो दूसरा हो क्या होता है हां ई ट्रैवल ने लिखा हुआ है प्रिंटर नन इंपैक्ट में आपको बता रहा हूं थ्री टाइप्स ये ना तो आई गो दो एक ये है हां रेड ये है पहली बार ये कहां पहली बार ये लिखती है फिर करते तक बोलते नहीं सर हमें क्या सीखना है तीसरा लिखे थर्मल प्रिंटर देखिए ये जो प्रिंटर था पहले सुन लीजिए अभी लेजर प्रिंटर बताया है ये पहले वाले प्रिंटर से अकॉर्डिंग क्या है वेरी फास्ट एंड एस्थेटिक्स का बहुत अच्छा है समझे हां अब ये लिखाए हैं ये लेजर प्रिंटर के बारे में बोल रहे हैं ठीक है इंकजेट जो प्रिंटर आता है याद रख लीजिएगा इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसके कंपेयर क्या होता है ये लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट होता है अब जैसे जैसे नया नया चीज डेवलप होगा उसको मॉडिफाई करके उससे बेटर बना दिया जाता है अभी साइड में आ कौन चल रहा है अभी ये चल रहा है लेजर प्रिंटर चल रहा है तो ये हां ये तीनों चल रहा है इंकजेट लेजर और थर्मल तो कहां पे क्या है ये किट नहीं तीनों का अलग अलग यूज पता है ना पता है पहले तीसरा लिखिए थर्मल प्रिंटर तीनों का अलग अलग यूज है थर्मल प्रिंटर मजदूर ज्यादा करता है तो
अब ये जो थर्मल प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आई मॉडिफाई कर इसको बनाया गया है। इससे पहले आपको लिखवाया होंगे क्या इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लिखवाया है। देखिए इसमें क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हां पीपी कनेक्टर प्रिंटर हां पीपी नो लो क्वांटिटी लेकिन क्या अभी उसको थर्मल प्रिंटर में एड करके थर्मल उसमें थर्मो प्लास्टिक यूज होता है थर्मो क्रोमिंग यूज होता है ठीक है उसको मॉडिफाई करके क्या थर्मल प्रिंटर बना दिया गया ठीक है इसमें क्या लिखा मॉडिफाई करके आगे बना दिया गया थर्मल ठीक है अभी की है इसमें हाँ लिखिएगा इट इज Thank you.
उसमें भी दिखाया गया वही चीज है। प्रिंटर को या 3D प्रिंटर करते हैं जिसको आप कॉपी करके 3D टाइप का ठीक है मतलब पूरा लेगा आपका एग्जैक्ट वही से ये कॉपी कर देगा। या कि समझ आया आगे आपका आउटपुट डिवाइस में है स्पीकर, स्पीकर आ जाएगा, मॉनिटर बता दिए है, स्पीकर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, आगे हीटिंग का भी स्पीकर स्पीकर पिक्चर आप लोग स्पीकर के बारे में रीड कर करिए स्पीकर बोल रहे हैं अभी तक जितना करवा दिए तो पूछे पे एक बार रिवीजन करते रहिएगा। और लैब आप लोग करते हैं जैसे कुछ एसटीपी करते हैं उसको कॉपी नोट कर लीजिए या जैसे नोट करवा देंगे जैसे आपको कल क्या कहते लग जाए जैसे आपको वॉल पेपर लगा रहे कोई पेन एप्लीकेशन में बनाए थे कोई ड्राइंग और उसको क्या करना वॉल पेपर पर लगाना मतलब बैकग्राउंड में डिस्प्ले पर लगाना क्या क्या स्टेप होता है जाना क्लिक ऑन द डैश बटन डैश में क्या आएगा फाइल बटन जाते रहे सबसे फाइल में फाइल का कलर क्या रहता है फाइल बटन का क्या कलर रहता है आज यही तक मैं लंबाई